रविवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जेनल मेडिकल कॉलेज द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य और नियंत्रण को एक ज्ञापन सौंपा गया जो चिकित्सा शिक्षा सचिव के नाम था। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर गोवर्धन सोनी ने बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत रेजिडेंट चिकित्सक लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होटल्स में क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन अब चिकित्सकों को ड्यूटी के बाद अपने अपने घर जाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे चिकित्सकों में भय है कि कोरोना का संक्रमण उनके द्वारा उनके परिवारजनों तक ना पहुंच जाए। चिकित्सकों ने मांग की है कि पूर्व की भांति उन्हें 14 दिन की छुट्टी के बाद 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, जिसमें सभी के रहने खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए। आज हम लोगों ने रेजिडेंट यूनियन की तरफ से श्रीमान चिकित्सा शिक्षा सचिव के नाम श्रीमान प्रधानाचार्य जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर को रेजिडेंट की कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिनमें मुख्य मांग ये है कि अभी तक जो रेजिडेंट चिकित्सक कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे उनको 14 दिन ड्यूटी करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा था, और जो ये 28 दिन थे उसमें उनके रहने के लिए किसी भी होटल या धर्मशाला में राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था करवाई जा रही थी। लेकिन अभी जो 15 तारीख को जो भारत सरकार का लेटर आया है उसमें ये कहा गया है कि अब इनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी करें और ड्यूटी के बाद घर जाएं। यदि किसी को कोई सिम्टोमेटिक होता है तो उसको क्वारंटाइन करें। तो इससे हमें नुकसान ये है कि हम यहाँ से घर जाएंगे तो घर परिवार में समाज में बच्चों को बीमारी फैलने की आशंका है, तो इसलिए हम लोग आज प्रधानाचार्य जी के पास ज्ञापन लेके आए थे। क्या मांग करिए इसको लेकर? तो इसमें यही मांग करिए कि हमारे जो आज तक जो चलता आ रहा था 14 दिन क्वारंटाइन 14 दिन ड्यूटी, वो वैसे की वैसी एज इट इज रखी जाए, और प्रधानाचार्य जी ने आश्वस्त किया है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा,